हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। प्रॉपर आपको स्टोरी सुनाऊंगी और आपको पुरानी यादों में लेकर जाऊंगी। जो भी कार्ड्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको स्टोरी बताऊंगी कि क्या है आपके प्यार की कहानी। और ये एक्चुअली मैं किसी के रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ। किसी रोज़ पहले मैं किसी की रीडिंग कर रही थी, पर्सनल रीडिंग कर रही थी, और काफ़ी बड़े थे वो मुझसे, और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैं इस टॉपिक पर एक और वीडियो बनाऊं, और फाइनली आज मैं वीडियो बना रही हूं। तो प्रॉपर मैं देखूंगी आप लोगों के रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, और एक स्टोरी की तरह इसको लेकर चलूँगी, ठीक है? ताकि आपको एक फीलिंग आ जाए कि क्या ये कहानी आपकी कहानी से मिलती है। और अगर आपका पास्ट मिलता है, आपका प्रेजेंट मिलता है कहानी से, तो यकीनन फ्यूचर भी मिलेगा, ठीक है? तो जो चीज़ रेजोनेट हो रही है उसको ले लीजिएगा, पॉजिटिव है तो क्लेम कर दीजिएगा, नेगेटिव कोई चीज़ आ रही है उसको आप बिल्कुल इग्नोर कर दीजिएगा। जो चीज़ रेजोनेट नहीं हो रही है ज़बरदस्ती उसको लेने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है? किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में आप लोग हो सकते हैं, आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, आप लोग सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिएगा, अपने पर्सन को याद कीजिएगा, बहुत प्यार से याद कीजिएगा और इस रीडिंग को देखिएगा। पूरी कोशिश करूँगी आपको क्लैरिटी देने का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। यूनिवर्स मुझे गाइड करे, मेरे जो व्यूअर्स हैं जो अपने पर्सन को याद कर रहे हैं, उनका नाम हनी मन ले रहे हैं, उनके प्यार की कहानी ज़रा बताइए, पास्ट की कहानी, यानी कि पास्ट में जब आप मिले थे इस पर्सन से, क्या सिचुएशन थी आपकी, क्या हुआ था, ऐसा पास्ट कैसा था आपका इस पर्सन के साथ। जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी मुझे इंट्यूटिवली मुझे फ़ील होगा, कोई वाइब्रेशन फील होगा, कुछ भी मुझे, अगर मुझे कुछ नज़र आता है, किसी का नाम नज़र आता है, कुछ भी मुझे पता चलता है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो बहुत ध्यान से स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को देखिएगा, क्या चीज़ आपके साथ मैच कर जाए पता नहीं, तो वो चीज़ आप मिस ना कर दें, इसलिए बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, ओके? और पॉजिटिव रहकर चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है पास्ट की रीडिंग्स, पास्ट की एनर्जीज कैसी थी आप दोनों की रिश्ते की। पहला कार्ड यहाँ पर है 10 of Wands, दूसरा कार्ड 5 of Pentacles, ओके? नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर King of Wands, 5 of Wands, यहाँ पर है Knight of Swords, यहाँ पर है 7 of Cups, यहाँ पर है 6 of Pentacles, यहाँ पर है Hangman की एनर्जी। ओके, देखो भाई ऐसा है, हर बार मुझे इसी टाइप की रीडिंग मिलती है, सच बोलूँ तो पास्ट में, ठीक है? तो लेकिन जो कार्ड्स है, मैं कार्ड्स के अकॉर्डिंग बात करती हूँ, मैं मन धड़न बात नहीं करती हूँ। तो कार्ड्स की एनर्जीज आप पहले ही देख लो, यहाँ पर 10 of Swords की एनर्जीज, 5 of Pentacles की एनर्जीज एंड 5 of Wands की एनर्जीज यहाँ पर क्या बता रही है? यहाँ पर बता रही है लड़ाई झगड़ा, परेशानियाँ, बीमारियाँ, स्ट्रेस, बर्डन, ठीक है, एंड डिप्रेसिव एनर्जीज। तो भैया ऐसा है, इस पर्सन से मिलने से पहले आप इसी तरीके की एनर्जीज में थे, रिश्ते की बात हो रही है तो ये वाइस वर्सा हो सकता है, आप या फिर आपका पार्टनर, दोनों में ही हो सकता है, किसी का सेपरेशन हुआ हो किसी पर्सन के साथ, या बहुत माली हालत ख़राब हो, या किसी के साथ बहुत बुरी स्थिति हो, यानी कि आपका हो सकता है आपके पार्टनर के साथ सही नहीं चल रहा हो, या तो डाइवोर्स हो सकता है हुआ हो अगर आप मैरिड हैं तो, या फिर अगर आप मैरिड नहीं थे, आप अनमैरिड थे, किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, रिलेशनशिप टूट सकता है, या कोई बीमारी केस हो सकता है, आप किसी बीमारी से जूझ रहे हो, या फिर हो सकता है कि आपके करियर में इश्यूज आ रहे हो। मतलब कहने का ये है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम से आप बहुत ज़्यादा जूझ रहे थे, बहुत परेशानी में थे, बहुत बर्डन थी, आपकी किसी से बन नहीं रही थी, आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त हो, आपके लव वंस हो, उनसे तक आपकी प्रॉब्लम्स और उनके साथ आपके इश्यूज थे, आपके लाइफ में बहुत बर्डन था। यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा है कि एक वर्कलोड भी था और एक लोगों का प्रेशर, समाज का प्रेशर, घर का प्रेशर भी था। आप ऐसे हालत में थे कि बस किए जा रहे थे, ज़िंदगी जिए जा रहे थे, ज़िंदगी से उमंग और तरंग पूरी तरीके से निकल चुकी थी,
मन में द्वंद्व था, मन में परेशानियां थी और आपस में आपके जो भी लोग थे उनसे भी आपकी बन नहीं रही थी। यानी कि अगर आप, मैंने बोला किसी रिश्ते में थे तो डेफिनेटली आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, कुछ भी हो, किसी के भी साथ रिश्ते में हो, ज़रूरी है रोमांटिक रिश्ता ही हो, कोई अगर वैसा नॉर्मल कोई रिश्ता है तो भी, चाहे आपके घर घर परिवार में हो या फिर कहीं जहाँ आप काम करते वहाँ अगर कोई रिश्ता है तो आप लोगों की बन नहीं रही थी आपस में, चीज़ें ठीक हो ही नहीं रही थी, कम्युनिकेशन किसी के साथ ज़्यादा अच्छे से हो ही नहीं रहा था, या तो लोग आपको नहीं समझ पा रहे थे या फिर आप लोगों को नहीं समझ पा रहे थे, वाइब्रेशन आपका मैच ही नहीं कर रहा था बाकी लोगों के साथ में, कहीं ना कहीं बहुत परेशान और बहुत बर्डन में थे, ज़िंदगी बोझ की तरह आप जी रहे थे, इस तरीके की एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। लेकिन इस पर्सन से मिलने के बाद लाइफ में एक नई तरंग और एक नई उमंग आई है आपके, यानी कि जो ज़िंदगी बोझल लगती थी, जो ज़िंदगी सिर्फ कट रही थी, वहाँ पर ऐसा लग रहा है मुझे कि अब कुछ करने का दिल किया आपका। जब आप इस पर्सन से मिले ना, आप एक्चुअली में एक्शन मोड में है, अभी तक तो कर रहे थे लेकिन एक बर्डन के फॉर्म में, वहाँ पर दिल नहीं था, सिर्फ कर रहे थे। लेकिन इस पर्सन से मिलने के बाद कुछ कर गुजरने की, कुछ करने की इच्छा आपके अंदर आई है, चाहे प्यार में कर गुजरने की या फिर अपने काम में, अपने करियर में, कहीं पर भी आपको ऐसा लगा कि नहीं, ज़िंदगी अभी बाकी है और ज़िंदगी अभी जीना है और अच्छे से जीना है। इस पर्सन ने आपको बहुत कुछ दिया है, इस पर्सन ने आपको प्यार दिया है, इस पर्सन ने आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी दी है, इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको जीने की उमंग दी है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, हैंगमैन की एनर्जी, सेवन ऑफ कप्स की एनर्जीज में, ये पर्सन से मिलने के बाद भी आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आए और आप इसके साथ रिश्ते में आ गए, क्योंकि ऐसा तो लग रहा है मुझे कि पर्सन बड़ी तेज़ी से आपकी ज़िंदगी में आए हैं और बिल्कुल बहुत तेज़ी से आपकी ज़िंदगी का रुख बदल के रख दिया है, लेकिन आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न में थे। मतलब आपको अगर इस पर्सन ने कहीं ना कहीं प्रपोज़ किया है, आपके साथ अपने दिल की बात की है, आपके साथ रिश्ते में आने के लिए बोला है, तो आपने ऐसा नहीं है कि तुरंत इस पर्सन को हाँ बोल दिया हो और बोल दिया हो कि हाँ मैं इस रिश्ते में आने के लिए रेडी हूँ। सिचुएशन कुछ भी हो, मैंने बोला आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जो आपकी सिचुएशन है वो ले लीजिएगा, क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है, बहुत सारे लोग देखेंगे। तो आपकी जो भी सिचुएशन थी, आप एकदम से रेडी नहीं थे क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान थे, आपको प्यार से शायद उम्मीद नहीं थी, रिश्तों से उम्मीद नहीं थी, ज़िंदगी से उम्मीद नहीं थी, इसलिए आप इस पर्सन को लेकर श्योर नहीं थे, इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए श्योर नहीं थे और कहीं ना कहीं एक्शन नहीं लेना चाह रहे थे। अब तो लग रहा था कि ठीक है मिल गया है, पर अगर होना होगा कुछ तो हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ दिख रही है कि इस पर्सन ने आपको कन्विंस किया है इस रिश्ते में आने के लिए। मतलब आपने बहुत बार मना किया होगा, बहुत बार बोला होगा कि नहीं मैं इस रिश्ते में नहीं आना चाहती, ये सही नहीं है, या आना नहीं चाहता, ये सही नहीं है, या मुझे अब प्यार पर विश्वास नहीं है, या अब मेरी उम्र नहीं है, कुछ भी हो सकता है आपकी सिचुएशन। तो आप कहीं ना कहीं तैयार नहीं थे, आपको कन्फ्यूज़न था कि ये रिश्ता मुझे जो मिला है, ये पर्सन जो मुझे मिला है, जिसने मुझे जीने की उमंग दी है, इसके साथ मुझे जाना चाहिए या नहीं। दिल शायद बोल रहा था मुझे इसके साथ रिश्ता रखना चाहिए, क्योंकि वैसे ही बाकी लोगों के साथ तो मेरा कोई कम्युनिकेशन ही नहीं होता, बाकी लोग तो मुझे समझते ही नहीं है, लेकिन दिमाग कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रहा था। तो दिल और दिमाग के बीच में उलझने बहुत थी, बहुत लड़ रहे थे खुद से कि क्या करना चाहिए और कन्फ्यूज़न में थे। लेकिन इस पर्सन के बिहेवियर ने, इस पर्सन के कहीं ना कहीं प्यार ने आपको कन्फेस, मतलब इस पर्सन के प्यार ने आपको कहीं ना कहीं कन्विंस किया है इस चीज़ के लिए और आप इस रिश्ते में आ गए। आसान नहीं था, बट फिर भी आप इस पर्सन के, इस पर्सन का मतलब कहते ना कि बह गए भावनाओं में, बह गए और इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ गए। तो पास्ट की एनर्जीज कुछ इस तरह के निकल कर आई है। आपके साथ कितनी मैच की है, अगर मैच करी है, आगे का जो वीडियो है आप कंटिन्यू कीजिएगा, मैच नहीं कर रही है, बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है, आप यहीं पर स्किप कर सकते हैं। मेरे दिमाग में गाना आ गया और मेरे दिमाग में कुछ लेटर्स आ रहे हैं, आर आ रहा है, एस आ रहा है, पी आ रहा है, ये तीन लेटर्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं। ब्लू कलर मुझे दिख रहा है, पता नहीं क्यों ब्लू मैंने भी पहना है, लेकिन मुझे ब्लू कलर नज़र आ रहा है। और ब्लू कलर हो सकता है आप जब इनसे फर्स्ट मीटिंग में मिले हो तब आपने पहना हो या आपके पर्सन ने पहना हो, पता नहीं, जो मैंने बोला मुझे जो चीज़ दिख रही है मैं आपको बता रही हूँ, मुझे ब्लू कलर नज़र आ रहा है, मुझे वाइट भी नज़र आ रहा है।
तो वाइट कलर हो सकता है अभी आपने पहना हो या उस समय पहना हो, कोई स्पेशल आपकी वाइट ड्रेस है जो आपको पसंद है, उनको पसंद है, आई डोंट नो कैसे रेजोनेट हो रहा है, पर वाइट और ब्लू मुझे बहुत नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और एक गाना मुझे मेरे दिमाग में आ रहा है पास्ट के सिचुएशन को देख कर, और जिसको मैं कैच करने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, आपके पर्सन की तरफ से ये गाना है जो पास्ट में कहीं ना कहीं पास्ट की मेमोरीज के साथ कनेक्ट करता है। आप देख लीजिएगा कभी आपके पर्सन ने आपको गाना ये गा के सुनाया हो या आपके साथ कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। दिल्ली ये कहाँ है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो। ये कहीं ना कहीं कन्फेस कर रहे हैं अपने लव को आपके जो पार्टनर है, लड़का लड़की जो भी है, और आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए शायद मुझे ये गाना मुझे ये फील हुआ है, ठीक है। तो ये पास्ट की आपके लिए एनर्जीज निकल कर आई हैं। प्रेजेंट की सिचुएशन फ़िलहाल हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट में क्या है। यूनिवर्स गाइड करें, मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं प्रेजेंट में क्या है इनके रिश्ते की कहानी, आगे का मूड दें, आगे क्या है कहानी भाई। पास्ट तो हमने देख लिया, प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलिए, पहला कार्ड यहाँ पर सेवन ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड यहाँ पर द चैरियट, तीसरा कार्ड है यहाँ पर टेन ऑफ कप्स, उसके बाद है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ओम नमः शिवाय। यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है नाइन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है एट ऑफ सॉर्ड्स, स्टार कार्ड, एंड स्टार कार्ड के साथ फोर ऑफ वॉन्ड्स भी आया है भाई। दो तीन कार्ड्स और निकालती हूँ। प्रेजेंट सिचुएशन, टू ऑफ सॉर्ड्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है, या तो आपके पार्टनर मैरिड हैं या आप दोनों ही आपस में मैरिड हैं, आप दोनों मिले, हो सकता है आप दोनों ने शादी की हो, तो चांसेस है कि आप दोनों मैरिड हैं, या फिर आपके जो पार्टनर हैं वो मैरिड है, या आप दोनों अलग अलग लोगों से मैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, चांसेस है मैरिज के कार्ड्स है यहाँ पर। आज की सिचुएशन अगर मैं देखूँ तो आज के सिचुएशन में बड़ी नेगेटिविटी है यार। देखो यहाँ पर ये कार्ड्स देखो, टू ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। निगेटिविटी आ गई है, दूसरे लोगों का इन्फ्लुएंस आ गया है। जिस रिश्ते में सिर्फ आप और वो थे, उस रिश्ते में अब दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, या कोई भी लोग हो सकते हैं आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कोई भी लोग हो सकते हैं, उसका स्पाउस, आपका स्पाउस, उसके पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, या फिर दोस्त, कोई भी ऐसे लोग जो इस दो प्यार करने वालों से जलते हैं, है ना। तो कोई भी ऐसे लोग हैं जिसके इन्फ्लुएंस में आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आ गए हैं, क्योंकि आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की है, और जो इस रिश्ते पर इम्पैक्ट डाल रही है, आपके रिश्ते को ख़राब कर रही है। ब्लॉक हो सकते हैं आप, ब्लॉक हो सकते हैं, या पार्टनर ऑन ऑफ बहुत कर रहे हैं, क्योंकि ऑन ऑफ सिचुएशन, यहाँ पर मुझे नेगेटिविटी, यहाँ पर मुझे इंतज़ार, यहाँ पर मुझे ठहराव नज़र आ रहा है, यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि जितना इन्वेस्ट किया है ना, पहले तो आप देना ही नहीं चाहते थे, इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहते थे, दिल लगाना ही नहीं चाहते थे, और जब दिल लगाया तो पूरी तरीके से डूब गए उस प्यार में, उस इंसान में, लेकिन आज कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे हो, आपको ये लग रहा है कि जो मैंने किया उसका तो रिज़ल्ट मुझे मिला ही नहीं, रिज़ल्ट का ही वेट कर रहे हो। जो इंसान खुद आया आपके पास, खुद आपको कन्विंस किया इस रिश्ते में लाने के लिए, और जब आप पूरी तरीके से इस रिश्ते में आ गए, आज आपको क्या मिला सिवाय अकेलेपन और सिवाय इंतज़ार के और नेगेटिविटी के, क्योंकि मुझे तो यहाँ ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। आप बहुत ज़्यादा उसी यादों में खोए हुए हैं जब बहुत अच्छा था सब कुछ, और आपके मन में बार बार ये सवाल आता है,
आपके मन में सवाल ये आता है कि जब मैं जी रही थी अपनी ज़िंदगी या जी रहा था अपनी ज़िंदगी, क्यों आए ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में क्यों आए, और आज जब मैं पूरी तरीके से इन्वॉल्व हूँ इस रिश्ते में तो अब ये नेगेटिविटी क्यों, अब ये दुनिया क्यों, अब ये इंसान कहीं ना कहीं अपने काम में व्यस्त है, अपने आप में व्यस्त है, अपनी फैमिली में व्यस्त है। कल तक जिस इंसान की प्रायोरिटी आप थे, आज इस इंसान की प्रायोरिटी वो खुद है। आज ये इंसान मुझे लग रहा है कि अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं और आपके बारे में कम सोच रहे हैं, अपनी खुशी के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। और जो इंसान कल को ये कहता था कि सिर्फ और सिर्फ आप हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं आप सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप लीस्ट प्रायोरिटी पर नहीं होते ना तो इतनी नेगेटिविटी इस रिश्ते में होती नहीं, इतना इंतज़ार, इतनी मायूसी होती नहीं। इस रिश्ते में कहीं ना कहीं एफर्ट्स नहीं डाले गए हैं प्रॉपर, जो आपने डाले हैं उस समान तरीके से एफर्ट्स नहीं, मतलब जितना आप डाल रहे हो उतने तरीके से एफर्ट्स आपके पर्सन नहीं डाल रहे हैं। एक पर्सन की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि कोशिश कर रहा है, एफर्ट्स डाल रहा है रिश्ते को ज़िंदा रखने के लिए, लेकिन एक पर्सन की एनर्जीज ऐसी लग रही है कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहा है और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, समाज के बारे में सोच रहा है, सही और गलत के बारे में सोच रहा है। जब प्यार को ऊपर रखा था, कुछ सही कुछ गलत नहीं था, और आज दिमाग लगाया जा रहा है और सही गलत का फ़ैसला किया जा रहा है, और ऐसे में आप परेशान हो गए हो, आप उदास हो गए हो, आप अकेलेपन के शिकार हो गए हो, आप इंतज़ार में हो, आप पास्ट की एनर्जीज में फोकस में आपका ध्यान ही नहीं, प्रेजेंट में आप फोकस ही नहीं कर पा रहे हो, प्रेजेंट में आपका ध्यान ही नहीं है क्योंकि आप वही चीज़ें सोच रहे हो, प्रेजेंट आप देखना नहीं चाह रहे हो क्योंकि प्रेजेंट पे तो नेगेटिविटी है। आपको ऐसा लगता है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं स्टक हो गया हूँ, किसी ने मेरे हाथ बांध दिए हैं और ऐसी सिचुएशन में हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या, मूव ऑन करूँ, वेट करूँ, क्या करूँ इस रिश्ते में। इस तरीके की एनर्जीज हैं, लेकिन होपफुल हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, होप नहीं खोई है आपने। क्यों? क्योंकि एफर्ट्स बहुत दिए हैं भाई। जब इंसान एफर्ट्स बहुत डालता है किसी रिश्ते में और इन्वेस्ट करता है किसी रिश्ते में, तो जब हम इन्वेस्ट करते हैं ना तो हम होपफुल भी रहते हैं, तब हमें लगता है कि इतना दिया है, इतना किया है, तो ईश्वर के पास कभी ना कभी तो हमारी दुआ पहुँचेगी और कभी ना कभी तो ईश्वर हमें उसका रिजल्ट देगा। तो होपफुल तो आप हो, मैनिफेस्ट तो कर रहे हो आप इस रिश्ते को, लेकिन आपके पार्टनर दिमाग से ज़्यादा चल रहे हैं, थोड़ा सा रूप बदल दिया है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा रूप बदल दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है रूप बदल दिया है, और अपनी फैमिली में अब ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इनकी नज़र आ रही है। और अगर आपके साथ शादीशुदा है तो भी आपको ध्यान ना देकर दूसरे लोगों पर, परिवार के दूसरे लोगों पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ है कि तन्हा तन्हा आप महसूस कर रहे हो इस रिश्ते में। जिसने तन्हाई दूर करी थी, जिसने आपको ऐसा फील कराया था कि यू आर सो स्पेशल, उस इंसान ने आज फिर से आपको ऐसा फील करा दिया कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अलोन हूँ, मैं बहुत मैं बहुत अकेला हूँ, मैं तन्हा हूँ, ये फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है आपकी। तो थोड़ी नेगेटिविटी है इस रिश्ते में हाल फिलहाल, ये एनर्जीज प्रेजेंट की निकल कर आई है, ठीक है। ऑन ऑफ सिचुएशन ज़्यादा दिख रही है, सेपरेशन हो सकता है कि सेपरेशन भी हो, ब्लॉक कर दिया हो या नहीं भी किया हो, तो क्योंकि नेगेटिविटी ज़्यादा है तो कुछ भी चीज़ पॉसिबल हो सकती है आपके रिश्ते में हाल फिलहाल। तो ये प्रेजेंट की सिचुएशन मुझे दिख रही है। होपफुल हो ज़रूर, आपको ईश्वर पर बहुत विश्वास है, एक्चुअली आपको पता है कि आपने अपने कर्म सही रखे हैं, आप सही हो इस रिलेशनशिप में और आपने भरपूर दिया है। या तो आप किसी से जुड़ते नहीं हैं और जुड़ते हैं ना तो अपना 100% देते हैं, और आपको मालूम है आपने अपना 100% दिया है, और जहाँ हमें पता होता है कि हमने अपना 100% दिया है ना, तो फिर हमें विश्वास होता है कि वो लौट कर हमारे पास ज़रूर आएगा, आज नहीं तो कल मुझे उसका फल ज़रूर मिलेगा। तो ये होप आपके अंदर आज भी ज़िंदा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि जो फ्यूचर में है, आगे कहानी क्या मोड़ लेती है, फ्यूचर में क्या हो सकता है आपकी रिलेशनशिप में।
तो देखते हैं क्या निकल कर आता है। फोकस कीजिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, यूनिवर्स चाहेंगे तो सब अच्छा होगा, आपको सिर्फ विश्वास बनाकर रखना है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं फ्यूचर में क्या लेकर आ रहा है उनका ये रिश्ता, क्या हो सकता है फ्यूचर में आगे, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। टू ऑफ वांड्स, ओके, और क्या है, द मून की एनर्जीज निकल कर आई हैं, और क्या आया है यूनिवर्स, वेट, और क्या है फ्यूचर में, टेम्परेंस है, और क्या है फ्यूचर में, जस्टिस है, ओके, और क्या है फ्यूचर में, यहाँ पर है द हाई प्रिस्टिस का कार्ड, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है टावर का कार्ड, यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। दो कार्ड और निकालूंगी और फिर एक दूसरे डेक से भी मैं कुछ निकालूंगी, ठीक है। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर है फाइव ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है टू ऑफ कप्स, ठीक है। मैंने तीन चार कार्ड और निकाल दिए, अब मैं यहाँ पर चलती हूँ, यहाँ से दो तीन कार्ड्स निकालती हूँ। फ्यूचर क्या है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें, इनके रिश्ते का फ्यूचर क्या है, क्या मोड़ लेगा ये रिश्ता, रिलीज़ योर एक्स, क्या मोड़ लेगा ये रिश्ता, रिट्रीट, क्या मोड़ लेगा ये रिश्ता, मेक द एफर्ट, ओके। एक और डेक से मैं दो कार्ड निकालूंगी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का। थॉट्स ऑफ यू फिल अप माई सेंसेस, किस एंड मेकअप, एक दो कार्ड और निकाल लेती हूँ। ओ माई गॉड, मेरे को पता नहीं, मैंने बोला था दो कार्ड निकालूंगी, फिर मेरे को लगा एक कार्ड और निकालना चाहिए और जो कार्ड आया ना, इतना अमेजिंग कार्ड आया ना, जिसने मुझे पूरी क्लैरिटी दे दी है। दिस इज़ सो ब्यूटिफुल कार्ड, आप खुश हो जाने वाले उस कार्ड को देख कर, पता है। देखिए, अ परमानेंट कनेक्शन, ऊपर लिखा है प्रॉमिस, अ परमानेंट कनेक्शन, माई गॉड दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। देखो ऐसा है, यहाँ पर कुछ एनर्जीज़ को रिलीज़ होने की ज़रूरत है, ठीक है। ये पर्सन, आपके जो पर्सन है, किसी कार्मिक के साथ फंसे हुए हैं। अब ये कार्मिक कोई भी हो सकता है इनके लाइफ में, ठीक है। हो सकता है कि किसी इंसान के साथ इनका अफेयर चल रहा हो, या कोई ऐसा पर्सन है अटैच्ड, कोई भी इनके रिलेशन में, जो आप दोनों के बीच में कार्मिक हैं, जो आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहता। तो अभी जो समय है ना, समय थोड़ा सा गड़बड़ है कुछ टाइम का, करीब करीब 9 महीने, 8 से 9 महीने आप मान के चलो एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे आपको इस रिश्ते में, अगर आप इस रिश्ते को चाहते हैं। चीज़ें 8-9 महीने थोड़ा सा ऐसा समय रहेगा कि चीज़ें खराब हो सकती है, लेकिन उसके बाद ये जो 8-9 महीने है ना, आपको ऐसा लगेगा सब खत्म है। एक्चुअली ये कहते हैं ना कि एक अंधेरी रात जो आएगी, अभी आने वाली है या चल रही है, जिससे आप गुज़र रहे हो, या आप समझ लो कि शुरुआत हो गई है। तो ये जो अंधेरी रात है ना, इससे आपको डरना नहीं है, ये क्लीजनिंग हो रही है आपकी कर्मा की, आपके पार्टनर की कर्मा की। इनके साथ जो कोई भी कनेक्टेड है, या आपके साथ अगर कोई कनेक्टेड है, उन सब के कर्मा की क्लीजनिंग हो रही है। क्योंकि देखो, किसी के साथ अगर कोई रिलेशनशिप में आता है, तो अगर वो इंसान उसका कार्मिक है, तो जब तक वो उसके साथ उसका कर्मा पे बैक नहीं हो जाता, वो उसकी ज़िंदगी से नहीं जाता। तो अगर आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन आ गया है, तो उस पर्सन के साथ अभी कहीं ना कहीं उसके साथ रिलेशनशिप में ये पर्सन रहेगा। मैंने बोला, चाहे रोमांटिक कनेक्शन हो या कैसा भी कनेक्शन हो, आगे जाके उस रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है कि वहाँ लड़ाई झगड़े होंगे और वो रिलेशनशिप टूटेगा, वो रिलेशनशिप टूटेगा। यानी कि जो थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, जो थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में,
उन दोनों के बीच में, उन लोगों के बीच में मिसकम्युनिकेशन होगा। जो पर्सन आज आप दोनों के बीच में आग लगा रहा है या परेशान कर रहा है या नेगेटिविटी फैला रहा है, खासकर ये उन लोगों के लिए रीडिंग है जिसके बीच में थर्ड पार्टी है, कोई पर्सन है, ठीक है। अगर पर्सन नहीं है तो आप लोगों के बीच में फिर भी 8 से 9 महीने के बाद चीज़ें बेटर होंगी, क्योंकि ये ग्रहण का टाइम है। ये करीब करीब ये कार्ड टाइम ले लेता है, लेकिन चीज़ें बेटर होती ज़रूर है। तो इस समय जो भी करोगे गलत होगा, आपके सामने निगेटिविटी भी आएगी, आप गलत भी सोचोगे अपने पर्सन को लेकर, लेकिन आने वाले टाइम में इस पर्सन के अंदर क्लैरिटी आ जाएगी, ये कार्ड क्लैरिटी लेकर आएगा। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि जिस पर्सन की वजह से आप दोनों पर दूरी आई हैं, वो पर्सन आपकी ज़िंदगी से पूरी तरीके से दूर हो जाएगा, आपके पर्सन की ज़िंदगी से पूरी तरीके से दूर हो जाएगा, आप दोनों के बीच से वो इंसान गायब हो जाएगा। अब ये चीज़ आप दोनों के बीच में क्यों नहीं हो रही है, ये थर्ड पर्सन के साथ क्यों हो रही है, कैसे मैं कह सकती हूँ? मैं इसीलिए क्योंकि मुझे यूनिवर्स ने यहाँ क्लियर कार्ड दे दिया है कि प्रॉमिस अ परमानेंट कनेक्शन। ये जो कनेक्शन है ना आपका इस पर्सन के साथ, ये परमानेंट कनेक्शन है भाई, इसीलिए ये टूटने वाला नहीं है। ये उस पर्सन के साथ ये रिश्ता टूटेगा जिस पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां है, आप दोनों का रिश्ता नहीं टूटेगा, इसीलिए ये उस पर्सन की एनर्जीज है। दूसरा मैंने क्यों बोला कि ये उस पर्सन की एनर्जीज है, रीज़न है यहाँ पर जस्टिस का कार्ड। आपको यहाँ पर इंसाफ मिल रहा है, तो इंसाफ क्योंकि आपने किया है, आपने इन्वेस्ट किया है, आपने दिया है इस रिश्ते में, तो रिश्ता तो आपको मिलकर रहेगा, चीज़ें तो बेटर होंगी। अब देखो इंसाफ किसी भी टाइप का हो सकता है, आप क्या चाहते हैं, आपके चाहने पर, आपके मैनिफेस्टेशन पर भी डिपेंड करती है चीज़ें। आप ऊब गए हैं, आप परेशान हो गए, आप थक गए, आपको लगता है मुझे निकलना है, अगर आप डिसीजन लेते हैं तो यूनिवर्स आपका साथ देगा, और अगर आप बोलते हैं कि नहीं मुझे ये रिश्ता मैनिफेस्ट करना है, चीज़ें ठीक करनी है, तो जस्टिस होगा। जिस तरीके से आप थॉट्स लेंगे, जिस तरीके से आप एफर्ट्स डालेंगे, उस तरीके से यूनिवर्स आपके लिए हेल्प करेगा। बाकी यूनिवर्स आपको बोल ही चुका है कि एक परमानेंट कनेक्शन है, दो आत्माओं का आपस में वादा है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, आपके पार्टनर डिसीजन लेंगे आने वाले टाइम में। अगर अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं, कंफ्यूजन में रहे हैं, आने वाले टाइम में वो आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे बहुत एकदम क्लियर क्लैरिटी मिल रही है, यूनियन के इतने सारे कार्ड्स हैं जो कि क्लियर कट बोल रहे हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं, दोबारा आपकी तरफ आएंगे, यूनियन करेंगे, क्योंकि इनका जिस भी कार्मिक पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में, उस कार्मिक के साथ जैसी क्लियर हो जाएंगी ना चीज़ें, उसमें मैं आपको टाइम बता चुकी हूँ, तो फिर रिट्रीट का टाइम है, मेक द एफर्ट्स का टाइम है। ये पर्सन एफर्ट भी डालेगा, दोबारा आपके साथ टाइम बिताएगा, आप लोग बहुत अच्छा समय बिताएंगे, कहीं ना कहीं फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा इस पर्सन का आपके मन में आपको लेकर आएगा। तो भैया ऐसा है, इस समय पर रोना धोना बंद कर देना, परेशान होना बंद कर देना, अपनी किस्मत को कोसना बंद कर देना, सिर्फ अपने ऊपर काम करना शुरू कर देना, अपने आप को बैलेंस पे लेकर आ जाना, स्पिरिचुअली भी अपने आप को बैलेंस में लेकर आओ, फिजिकली भी अपने ऊपर काम करो, ठीक है। हर तरीके से अपना बेस्ट वर्जन बन के दिखाओ ताकि ये पर्सन अपने आप को रोक ही ना पाए, क्योंकि मुझे फिजिकली अट्रैक्शन भी बहुत दिख रहा है, बहुत ज़्यादा इसको आपकी फैंटेसी होगी आपको लेकर, और ये रोक ही नहीं पाएंगे और आपसे यूनियन करेंगे, या आपसे यूनियन करेंगे। और देखिए टाइम ऐसा आएगा कि सिर्फ आप और ये और पूरी दुनिया को छोड़कर आप दोनों सिर्फ एक दूसरे के साथ टाइम बिताना पसंद करेंगे। वो कनेक्शन, वो पैशन इस पर्सन के मन में आपको लेकर आएगा, ये फ्यूचर के कार्ड से क्यों आएगा, क्योंकि ऑलरेडी आत्माओं का वादा है एक दूसरे के साथ, कि हमें एक दूसरे के साथ बिताना है समय। तो ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन बात यह है कि आप क्या चूज़ करते हैं ये डिपेंड करता है। अगर आप एफर्ट्स नहीं डालना चाहते, आप पॉजिटिव नहीं रह सकते, आप मूव ऑन करना चाहते, आपकी चॉइस, आपकी फ्री विल में कोई भी अड़ंगा नहीं लगाता, वो आपकी फ्री विल है।
लेकिन आप चॉइस लेते हैं, आप एफर्ट्स डालना चाहते हैं, आप चीज़ें करना चाहते हैं, आप ज़िंदगी दोबारा इस पर्सन के साथ जीना चाहते हैं, तो थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। ये पर्सन दोबारा पैशनेट होंगे और दोबारा आपके तरफ आएंगे और अपना वादा निभाएंगे। आपकी सोल के साथ जो उन्होंने वादा किया है वो वादा ये पर्सन निभाएंगे और आप दोनों का यूनियन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपको सिर्फ स्पिरिचुअली ग्रो करने की ज़रूरत है, ऐसा पर्सन बनना है कि पर्सन खुद को आपके पास आने से रोक ही ना पाए, और ऐसा आप मुझे करते हुए नज़र भी आ रहे हैं, तो फ्यूचर बहुत अच्छा है। और हमेशा ऐसा होता है कि कहानी में जो हम कार्ड्स निकालते हैं ना, फ्यूचर हमेशा हमें बहुत खुशी देता है, ऐसा देता है कि हाँ बैलेंस आ जाएगा, आपके फेवर में चीज़ें होंगी, आपको जस्टिस मिलेगा। और जब ऊपर वाला आपके साथ है तो फिर डर किस बात का, और जब ऊपर वाला कह रहा है कि मैं आपके साथ न्याय करूँगा, तो सिर्फ थोड़ा सा सब्र और अपने ऊपर काम, ये दो चीज़ आप कर लीजिए और फिर देखिए कि ये रिश्ता आगे क्या गज़ब मोड़ लेता है और कितने प्यारा समय आप इस पर्सन के साथ बिताते हैं। और ये पर्सन पक्का आपकी तरफ आ रहे हैं और एक ही गाना गाएंगे आपकी तरफ आकर। क्या गाना गाएंगे? तुम दिल की धड़कन में रहते हो तुम मेरी, कहते हो बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग, मुझे बहुत पसंद है ये गाना, इसलिए मैंने गा दिया। सो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।